आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास कह दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स विच आर पैरेलल टू द लाइन एक्स प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कर्व है वो ये दे के रखी हुई है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसमें इसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वेशन ऑफ लाइन भी हमारे पास दी है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन हमें के दी है, ये दे के रखी है, और हमें निकालना क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल के बतानी है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो ले लो आप क्या, इक्वेशन ऑफ कर्व वो आपके पास गिवन है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, सॉरी यहाँ पे ना एक्स क्यूब है यार, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस 6। इसको दे दो फर्स्ट इक्वेशन, डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 2, ठीक है। तो अब देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा हमारे पास, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला क्या है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारी ये आ चुकी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन 3x² प्लस 2, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। अब जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, जो इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन है वो भी हमें गिवन है, वो क्या दी है, एक्स प्लस 14y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए हमारे पास क्या आ गया 1, बी हमारे पास क्या आ गया, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 14, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है। अब हमें पता है एम इक्वल टू क्या आता है, माइनस ए अपॉन बी, यानी कि कितना आ गया, -1 अपॉन 14, क्लियर है इतना। देयरफॉर अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करो, -1 अपॉन 3x² प्लस 2 इक्वल टू -1 अपॉन 14, तो ये माइनस है, ये माइनस कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास कितना बच गया। अब इसकी ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 14 इक्वल टू 3x² प्लस 2। 3x² को यहीं रखो और इसको वहां भेज देंगे तो कितना बन जाएगा ये 12। 3x² कितना आ गया, ऐसा करते हैं इसको भी काट देते हैं, 3 4 12, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 4, इसको घुमा के लिख सकते हैं कि x² इक्वल टू 4, और x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, +-2, इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यानी कि जो x की जो हमारे पास ये वैल्यू आई है प्लस और माइनस की, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ रख लो आप x इक्वल टू 2, और यहाँ पर क्या कर लो, x इक्वल टू -2 रख लो। अब y इक्वल टू क्या है हमारे पास, y इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस 6, और यहाँ पर क्या है, वही सेम x³ प्लस 2x प्लस 6। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 2³ प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6, यहाँ क्या आ जाएगा, -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6, ठीक है। तो इसके बाद कितना आ जाएगा हमारे पास सोल्व करके, अब ये जब हमने इसको सोल्व किया तो हमें मिला यहाँ पे ये y इक्वल टू 8 प्लस 4 प्लस 6, और यहाँ पर कितना मिल गया, y इक्वल टू -8 -4 प्लस 6, कितना आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया, 6 4 10 18, तो y इक्वल टू 18 आ गया, और यहाँ पर y इक्वल टू -6 आ गया, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट्स आर, यहाँ पर जो मेरे पास पॉइंट आए वो आ गए, एक्स हमारे पास कितना था 2, और वाई कितना आ गया 18, यहाँ पर एक्स हमारे पास कितना था -2, और वाई हमारे पास कितना आ गया -6, इतना क्लियर है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप लोगों को पता है कैसे निकलेगा, वाई माइनस हम कर देंगे क्या, वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन,
तो y आपके पास कितना है, y रखो, और y1 कितना आ गया, आप y1 हमारे पास आ गया 18, इक्वल टू m हमारे पास कितना है, वो हमने निकाला था, m कितना निकाला था हमने, ये -1/14। तो यहां रख दूंगा मैं -1/14, और यहां पर कितना आ जाएगा अब x-2। क्लियर है इतना? ठीक है, अब सेम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम इस पॉइंट्स के लिए, इन पॉइंट्स के लिए भी करेंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास y-y1/x-x1 इक्वल टू एम इंटू, सॉरी इसको वहां भेज देते हैं, x-x1। ठीक है, तो y माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पर देखो माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ठीक है, और अपॉन में x प्लस, यार इसको वहां भेज देते हैं ना, -1/14 इंटू x-x+2 बन जाएगा ये, ठीक है, x+2 ये बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर, यार 1/14 था ये, ठीक है। अब देखो ये कितना बन रहा है, अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मैं क्या करता हूँ इस 1/14 को यहाँ भेज दूंगा, ठीक है, 1/14 को यहाँ भेज रहा हूँ, इस 14 को सिर्फ यहाँ भेज रहा हूँ मैं, तो ये बन जाएगा 14y, और माइनस का कितना आ जाएगा, 14 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारे पास 252, और यहाँ पर कितना रहा माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यानी कि 2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 14y प्लस 14 6 84 इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा -x-2। ठीक है, अब क्या करो यहां पे, आप इस टर्म को इस तरफ ले आओ सारी को, तो ये आ जाएगा x प्लस, अब 14 लिख लो साथ में, 14y, और यहां आके ये हो जाएगा -252, माइनस का 2, तो ये बन जाएगा 254 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई, और यहां से x यहां पर है प्लस 14y, यहाँ पर हमारे पास क्या है प्लस का 84, यहाँ से प्लस का 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा +86 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमारी इस क्वेश्चन की निकल के आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई हार्ड नहीं था, थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पे आके, थोड़ी सी कैलकुलेशन की वो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, 22 दी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू पैराबोला वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax, यानी कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें दे के रखी है वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट, और पॉइंट दिए इसके 80² कोमा 280। अब देखो यहाँ पर हमें निकालना क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे, ठीक है, उसी तरह से हो गए। देखो सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख लो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax, इसकी हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें मिलेगा ये 2y y डैश इक्वल टू 4ax है, तो कितना आ गया 4a आ गया। ठीक है, यहां से आप क्या करो y डैश निकाल लो, 4a अपॉन क्या कर दो, 4a अपॉन 2y, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया 2a अपॉन y। ठीक है, 2a अपॉन y हमारे पास आ गया। अब देखो पॉइंट हमारे पास ये गिवन है, तो dy अपॉन dx हम लिख सकते हैं यहां पे, ये है हमारे पास 80² कोमा 2at, यानी कि ये x है और ये y है, इतना क्लियर है। अब यहां पर y की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो 2a अपॉन आपके पास है ये 280, y के प्लेस में क्या लिख देंगे हम 2at, तो ये 2a से 2a कैंसिल आउट, हमारे पास कितना आ गया 1/t, 1/t आ गया, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो कितना आ गया 1/t, और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना निकल जाएगा, नॉर्मल इक्वल टू -1/1/t, यानी कि ये कितना आ गया -t। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया -t। अब हमें क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है, कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट आपके पास गिवन है 80² कोमा 2at। देखो अब इसको कैसे रखेंगे, यानी कि ये आपके पास क्या है x है और ये y है। ठीक है, तो सिंपल क्या करते हैं, अब यहां से y माइनस वाई वन के प्लेस में आ जाएगा 2at इक्वल टू, अब हमारे पास m कितना है
नॉर्मल की जो आई हमारी स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आई हमारी, स्लोप ऑफ नॉर्मल, सॉरी सबसे पहले हम टेंजेंट का काम करेंगे, ठीक है। टेंजेंट के लिए हमारे पास क्या है, वन अपॉन टी, तो यहाँ लिख लो आप वन अपॉन टी इंटू में कितना आ जाएगा, एक्स माइनस ए टी स्क्वेयर, क्लियर है इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे हम बिल्कुल इजी वे में, तो ये कितना बन जाएगा, मैं इस टी को ना यहाँ भेज रहा हूँ, ठीक है, इस टी को मैं यहाँ भेज रहा हूँ, तो ये आ जाएगा वाई टी, ठीक है, वाई टी माइनस, और ये आ गया टू ए टी, और यहाँ पर कितना आ गया अब हमारे पास, ये एक्स माइनस ए टी स्क्वेयर बचा, ठीक है। अब देखो इसको हम वहाँ भेज देंगे, इस पूरी टर्म को उस तरह भेज देते हैं, तो ये जीरो इक्वल टू कितना आ गया, एक्स माइनस वाई टी, एक्स माइनस वाई टी माइनस ए टी प्लस ए टी स्क्वेयर प्लस टू ए टी, क्लियर है इतना। अब यहाँ ए टी स्क्वेयर है, यहाँ पर टू ए टी है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, अब ये प्लस का है ये माइनस का, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, थोड़ी देर के लिए ना अब स्क्वेयर को भूल जाओ, ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा, ओनली वन, यानी कि जीरो इक्वल टू कितना आ गया, एक्स माइनस वाई टी, ये आ गया प्लस ए टी स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई टी प्लस ए टी स्क्वेयर इक्वल टू जीरो, ये आ गया मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब निकालेंगे हम इक्वेशन ऑफ स्लोप, तो इक्वेशन सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे आ जाएगा, सेम वाई माइनस आपके पास टू ए टी है अपॉन एक्स माइनस, यानी कि मैं इस एक्स को वहां भेज देता हूँ डायरेक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा एम के प्लेस में आ जाएगा माइनस टी, और यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस ए टी स्क्वेयर, ठीक है। तो करो इसको सोल्व, कैसे करेंगे, वाई माइनस टू ए टी तो हमारा यही रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस एक्स टी, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ए टी क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया ये, इसको यहाँ ले आते हैं, एक्स टी प्लस वाई, यहाँ है ए टी क्यूब और यहाँ पर है माइनस टू ए टी, यानी कि माइनस टू ए टी प्लस प्लस यहाँ आके माइनस हो जाएगा ए टी क्यूब इक्वल टू जीरो, ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, प्रूव दैट द कर्व एक्स इक्वल टू वाई स्क्वेयर एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट अ राइट एंगल इफ 8k² इक्वल टू 1। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहां हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द कर्व एक्स इक्वल टू दिस एंड दिस, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व 1 है, ये इक्वेशन ऑफ कर्व नंबर 2 है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कर्व के लिए कर लो, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कर्व, वो आपके पास क्या है, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वेयर, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या है, इक्वेशन ऑफ सेकेंड कर्व, अब इक्वेशन ऑफ सेकेंड कर्व भी आपके पास देके रखी हुई है, कितनी, के एक्स वाई इक्वल टू के। अब हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे इक्वेशन 2, जो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई वाई स्क्वेयर, उसको हम पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, यानी कि पुट वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड, जब हम यहाँ पे रखेंगे तो x के प्लेस में आ जाएगा वाई स्क्वेयर इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा के वाई, अच्छा यहाँ पर तो सिर्फ k है, ठीक है, तो कितना बन गया y क्यूब इक्वल टू कितना आ गया, ये y क्यूब इक्वल टू k, ठीक है। अब हमें सिर्फ ओनली y की वैल्यू चाहिए, किसकी, ओनली y की वैल्यू, तो y को मैं यहीं रखूंगा, और जब इसको वहां भेज देंगे तो ये अपोन में चला जाएगा, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू हम लिख सकते हैं k रेज टू पावर 1 अपॉन 3, इतना क्लियर है। अब रही बात x की, तो x के भी हमें पॉइंट निकल के आ सकते हैं, देखो क्या करेंगे, नाउ पुट y इक्वल टू k रेज टू पावर 1 अपॉन 3 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, y के प्लेस में मैं डायरेक्ट इसी को रख रहा हूँ, y के प्लेस में इसको रख देंगे, तो k 1/3 और इसका इसकी पावर में 2, यानी कि कितना आ गया हमारे पास, x इक्वल टू आ गया k रेज टू पावर 2/3,
क्लियर है इतना? ठीक है, अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुके हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गए, एक आ गया हमारे पास, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई के रेज टू पावर 2/3, और एक आ गई हमारे पास वाई की वैल्यू के रेज टू पावर 1/3। अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कर्व निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कर्व, और यहां पर आप लाइन लगा दो तो इक्वेशन ऑफ सेकंड कर्व। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कर्व हमारे पास क्या है, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वेयर है, और इक्वेशन ऑफ सेकंड कर्व हमारे पास क्या है, एक्स वाई इक्वल टू के है। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अब हमें यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे। सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स की बन जाएगी वाई, और इसकी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2y y डैश, और यहां पर इसकी करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये इसकी करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि इसमें हमने क्या किया, एक्स एक्स और वाई में यू इंटू वी लगा दिया, तभी हमारा क्या आ गया ये। ठीक है, अब क्या करो, यहां से हम y डैश को इस तरफ रख देंगे, यानी कि y डैश को आप यहां ला सकते हो, और यहां पर आपके पास कितना आ गया, 1/2 y। देखो सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, y डैश को आप यहां अकेला छोड़ दो, और यहां पर क्या करो, इस y को भी वहां भेज देंगे, तो -y बन जाएगा अपॉन में x आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमारे पास ये तो आ गया इसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखो जो dy अपॉन dx है, मैं यही करूंगा इसी के साथ साथ, जो dy अपॉन dx की हमारे पास जो वैल्यू है, यानी कि k की वैल्यू 2/3 कोमा k रेज टू पावर 1/3 हमारे पास गिवन है, उसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 y के प्लेस में क्या है, k रेज टू पावर 1/3। और सेम सिचुएशन यहाँ क्रिएट करेंगे, dy ओवर dx यहाँ पर क्या आ जाएगा, k रेज टू पावर 2/3 कोमा k रेज टू पावर 1/3। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे -y अपॉन में क्या है, x, x के प्लेस में आ जाएगा k रेज टू पावर 2/3। क्लियर है इतना? यानी कि m1 हमारे पास क्या आ गया, 1/2 k रेज टू पावर 1/3, और यहां पर m2 कितना आ गया, 1/2 sorry 1/k रेज टू पावर 2/3। ठीक है, 1/k रेज टू पावर 2/3। अच्छा, यहां पर हमारे से एक मिस्टेक हुई यार, y और x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, y और x है ना, तो यहां पर क्या करो, मैं दोबारा करवा रहा हूं इसको। इस स्टेप के बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद y के प्लेस में तो आ जाएगा k रेज टू पावर 1/3, और x के प्लेस में आ जाएगा k रेज टू पावर 2/3। देखो ये चीज और ये चीज हमारी सेम है, तो हम इनको माइनस कर देंगे। ठीक है, बेस सेम पावर की हो जाएंगी माइनस, क्योंकि डिवाइड का केस है। तो कितना आ गया आपके पास, ये k की पावर में कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, 1/ हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1/ सिंपली कर दो इसको, हम लिख देंगे 1/k और 1/3 आपके पास आ जाएगा। देखो क्या किया मैंने, 1/k था, इसको मैंने k रखा, फिर यहां पर क्या किया, 2/3 है, और माइनस कर दिया 1/3 को। ठीक है, तो आपके पास कितना बच के आए गए, के रेज टू पावर 1/3। ये कुछ नहीं है सारा, ठीक है, ये भी नहीं है, हमने यहां से की इसकी शुरुआत। फिर अब क्या करेंगे, ये तो आगे आपके पास आ गया m2 आ गया आपके पास 1/k रेज टू पावर 1/3। m1 भी आ चुका है, m2 भी आ चुका है। अब ऐसा करो कि m1 को हम क्या कर सकते हैं, ये जो m1 है इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा m2 के साथ इक्वल टू -1। क्लियर है इतना? ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 1/2 k रेज टू पावर 1/3 इंटू हमारे पास कितना है, माइनस का 1/ अच्छा जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना, साथ में क्या माइनस भी तो था यार, ये माइनस भी था, ये माइनस आ जाएगा यहाँ, माइनस
वन अपॉन के रेज टू पावर वन अपॉन थ्री इक्वल टू माइनस वन। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसको ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू के, टू के और रेज टू पावर में कितना आ जाएगा टू अपॉन थ्री, ठीक है बे सेम पावर एड, और इक्वल टू माइनस वन। यहां से माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बच गया, अब इसको मैं वहां भेज रहा हूं ठीक है, तो ये आ जाएगा वन इक्वल टू टू के रेज टू पावर टू अपॉन थ्री। क्लियर है इतना। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं ठीक है। अब हम क्या करें, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, यानी कि रेज टू पावर थ्री से मल्टीप्लाई करवा दूंगा दोनों तरफ ठीक है। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, वन का क्यूब इक्वल टू टू के टू रेज टू पावर थ्री, और इसका भी हम क्या कर देंगे क्यूब, तो ये थ्री से ये थ्री कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास के एट के स्क्वेयर इक्वल टू वन, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास एट के स्क्वेयर इक्वल टू वन ठीक है। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 23। 23 का आंसर कितना आ गया, एट के स्क्वेयर इक्वल टू वन, ये हमने प्रूव कर दिया ठीक है। हेंस प्रूफ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू वन एट द पॉइंट एक्स एक्स नॉट वाई नॉट। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या करो, आपके पास जो गिवन है उसको लिख लो। गिवन क्या है आपके पास, गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की आपके पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इक्वल टू वन। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टू एक्स अपॉन ए स्क्वेयर माइनस यहाँ पर क्या जाएगा टू वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू, इसकी हो जाएगी जीरो। क्लियर है इतना। अब यहाँ देखो आप क्या बन रहा है, इस इक्वेशन को आप यहीं रखो और इसको वहाँ भेज दो, तो माइनस टू वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस टू एक्स अपॉन ए स्क्वेयर, तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया और ये टू से टू भी कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा कितना, यहां पर अगर मैं सिंपल करूं तो वाई डैश आ जाएगा ठीक है, और यहां पर क्या है इस बी स्क्वेयर को मैं यहां भेज रहा हूं, बी स्क्वेयर एक्स अपॉन वाई ए स्क्वेयर आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वेयर आप वाई भी लिख सकते हो ठीक है, ए स्क्वेयर वाई, कितना क्लियर है। अब जो आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स के जो पॉइंट दिए हैं वो दिए हैं आपके पास एक्स नोट और वाई नोट, तो यहां पर पुट कर दो, बी स्क्वेयर आ गया एक्स नोट और ए स्क्वेयर आ गया वाई नोट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, इक्वल टू बी स्क्वेयर एक्स नोट अपॉन ए स्क्वेयर वाई नोट, और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास माइनस वन अपॉन बी स्क्वेयर एक्स नोट अपॉन ए स्क्वेयर वाई नोट, यानी कि ये कितना आ रहा है हमारे पास माइनस ए स्क्वेयर वाई नोट अपॉन एक्स स्क्वेयर सॉरी बी स्क्वेयर एक्स नोट ठीक है, बी स्क्वेयर एक्स नोट। इतना करने के बाद अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम आराम से निकाल सकते हैं, तो लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद लिए आपके पास पॉइंट है एट, आपके पास दिया एक्स नोट दिया है और वाई नोट दिया है, तो क्या करो वाई माइनस वाई नोट अपॉन एक्स माइनस एक्स नोट इक्वल टू, यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है बी स्क्वेयर एक्स नोट अपॉन ए स्क्वेयर वाई नोट है ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा हमें, ये आ जाएगा ए स्क्वेयर वाई वाई नोट माइनस ए स्क्वेयर वाई नोट का स्क्वेयर ठीक है, वाई नोट का स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर एक्स नोट है और साथ में कितना आ जाएगा ये बी स्क्वेयर एक्स और एक्स नोट ठीक है, एक्स और एक्स नोट करो ठीक है ना, इसको मैंने वहां भेजा, तो
और माइनस बी स्क्वेयर एक्स नॉट का स्क्वेयर आ गया। इतना क्लियर है। अब हम इसको यहां ले आएंगे, इस इक्वेशन को इस तरफ कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये, यानी कि जो नोट वाली टर्म्स है उनको एक साथ कर देते हैं, इसको इसे और हम इसे साथ में रख देंगे, ठीक है। यानी कि ये आ गया बी स्क्वेयर एक्स नोट स्क्वेयर और यहाँ से माइनस ए स्क्वेयर वाई नोट स्क्वेयर। क्लियर है इतना। इक्वल टू कर दो आप, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ये बी स्क्वेयर एक्स एक्स नोट है, ठीक है, बी स्क्वेयर एक्स एक्स नोट है और यहाँ से माइनस हो जाएगा ए स्क्वेयर वाई वाई नोट। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसको आगे जब सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने के लिए अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर से, ठीक है, डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइड बाय ए स्क्वेयर एंड बी स्क्वेयर, ठीक है, दोनों तरफ हम ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये, हमारे पास आ जाएगा ये, देखो बी स्क्वेयर है यहाँ पे, एक्स नॉट स्क्वेयर है, अपॉन कर देंगे हम ए स्क्वेयर और ये बी स्क्वेयर, फिर माइनस ए स्क्वेयर है वाई नॉट स्क्वेयर है अपॉन ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, इक्वल टू यहाँ हमारे पास बी स्क्वेयर है एक्स एक्स नॉट है अपॉन ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाई वाई नॉट अपॉन ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। अब जो जो कटते हो उसको काट दो, तो यहाँ से बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कट जाएगा, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कट जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कट गया और ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कट गया, मतलब हमारे पास बचा एक्स नॉट स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई नॉट स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वेयर। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे कि ये जो एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर है, एक्स नॉट स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई नॉट स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर हमारे पास ये गिवन है, इसके प्लेस में इतने इतने के प्लेस में, ठीक है, इस इतने इतने के प्लेस में हम क्या रख देंगे, वन रख देंगे। क्या रख देंगे, वन। मैं आपको याद रखने के लिए यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, इन प्लेस ऑफ, ठीक है, ये आपने लिखना नहीं है, इन प्लेस ऑफ एक्स नॉट स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई नॉट स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर वी पुट वन, ठीक है, ये सिर्फ याद रखने के लिए किया मैंने, इसको आप याद रखना। तो यहाँ आ जाएगा इसके प्लेस में आपके पास वन, इक्वल टू कितना आ गया, एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वेयर और ये हमारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमें टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड करना है टू द कर्व, कर्व हमारे पास दिया वाई इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x और ये पैरेलल है किसके, लाइन के 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखो सिंपल है, इक्वेशन ऑफ कर्व आपके पास गिवन है, तो उसको सबसे पहले ले लो, इक्वेशन ऑफ कर्व वो हमारे पास क्या है, वाई इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 2, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3x माइनस 2 और इस 3x माइनस 2 की डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ओनली 3 बचेगा। ये आपको लग गया होगा पता कि मैंने सिर्फ इसको x माना, ठीक है, x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x और हमारे पास अंडर रूट x के बेस में क्या है 3x माइनस 2 और 3x माइनस 2 की डिफरेंशिएशन की तो हमारे पास ये 3 आ गया, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3x माइनस 2 लिख सकते हैं। अब ये जो आ गया हमारे पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, ये सारी टेंजेंट की स्लोप आ गई हमारे पास 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3x माइनस 2, इसको आप स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट भी लिख सकते हो, ठीक है, स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट भी लिख सकते हो। अब इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास गिवन है, हमें सिर्फ टेंजेंट की बात है, बात पूछी गई है, इक्वेशन ऑफ पैरेलल, इक्वेशन ऑफ
पैरेलल लाइन आपके पास गिवन है। पैरेलल लाइन क्या है? 4x-2y+5=0, यानी कि ये है ax+by+c=0। अब a आपके पास कितना है? 4, b आपके पास कितना है? -2, एंड c आपके पास कितना है? 5। यहाँ से m निकाल लो, m = -a/b। तो a आपके पास है -4 आ गया, अपॉन -2 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 4, यानी कि ये आ गया आपके पास m आ गया 2। अब हम इसको इक्वेट करवा देंगे, तो जब इक्वेट करवाएंगे तो आपके पास इस इक्वेशन को रखो, 3/√3x-2=2। ठीक है, कितना आ जाएगा? यहाँ पे रखो 3 और इसको मैं वहाँ भेज रहा हूँ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो ये बन गया 4√3x-2। ठीक है, अब सिंपल क्या करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो 9 = कितना आ गया? 4 4 हो गया 16, और इसका स्क्वेयर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x-2। कितना आ गया अब ये? 9 = 16 3 48x, 16 2 32, यानी कि 9 = कितना आ रहा है हमारे पास? ये 9 = अच्छा, अब इसको मैं 32 को यहाँ भेज देता हूँ। ठीक है, अगर मैं 32 को यहाँ भेजूंगा तो 9 + 32 कितना हो जाएगा हमारा? 41। कितना हो गया ये? 41, और = 48x बचा। ठीक है, तो x कितना आ गया? अब देखो 41/48 आ गया। क्लियर है इतना? 41/48। अब पुट कर दो इस x = 41/48 को इक्वेशन नंबर 1 पे। अब हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? ये रही इक्वेशन 1 थी, y = √3x-2। तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे, √3x-2 रखा, तो y = कितना आ गया? √3 × 41/48, ब्रैकेट लगाओ -2, 3 के टेबल से कट जाएगा, 16 आ गया, यानी कि यहाँ कितना आ गया? y = कितना आ गया? अब √41/16-2, और इसका भी कर दो, एलसीएम कर दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y = √, यहाँ तो आ गया 16 एलसीएम, 41 - 32, यानी कि 41 में से ये गए तो हमारे पास 9 बचेगा, 9/16, और y कितना आ गया? सिंपल सी बात है, 3/4 हमारे पास ये y आ गया। क्लियर है इतना? तो देखो पॉइंट क्या आ गया आपके पास, पॉइंट्स आर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिख सकते हो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो क्या क्या आ गया? x आ गया आपके पास 41/48, और y आ गया 3/4। ठीक है, अब निकालना क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो निकाल लो सिंपल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकली? y − y0 / y − y1 / x − x1 = m। तो यहां पर है y − y1 आपके पास है ये 3/4, और यहां पर x − 41/48, और m आपके पास कितना आया था? 2। कितना आ गया था? 2 आया था। ठीक है, तो इसको कर लो, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम एलसीएम वगैरह लेंगे इसका, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 4, ये बन जाएगा 4y − 3/4। ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा? 48 एलसीएम आ गया, यहां पर 48x − 41 = 2। क्लियर है इतना? अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 4y − 3/4 रखा, ठीक है, और अब मैं इस पूरी टर्म को वहां भेज रहा हूं, तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं, पहले घुमा के कर लिख लेते हैं, यानी कि 48 कितना आ गया ये? 48x − 41 = 2। ठीक है, तो 4 के टेबल से अब इसको काट लेंगे, तो इसको कट करेंगे तो 2 2 4, ये आ जाएगा 4 2 8,
और सॉरी 4 1 4 ना, 4 2 8 आ गया, और इस 2 से इसको काट दो, 2 6 12, सिंपल हो गया ना। अब कितना आ गया ये हमारे पास, यहाँ पर आ गया 6 4 24y-18 इक्वल टू 48x-41। क्लियर है इतना। यहां से क्या करो आप, इस टर्म को पूरे को वहां भेज दो, तो 0 = 48x-24y-41+18। 0 = कितना आ गया, 48x-24y, और इसको करेंगे सोल्व तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -23। अब आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 48x-24y = 23 आंसर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा छोटा है उसको कर लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि फाइंड द सॉरी फॉर द कर्व y = 4x³-2x² फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए होंगे उसमें आपके पास क्या था, कर्व के जो पॉइंट थे, ठीक है, कर्व के पॉइंट हमारे पास गिवन होते थे। यानी कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, उससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया हमारे पास पॉइंट गिवन थे, जैसे क्वेश्चन नंबर आप ले लो 24 था, उसमें x0 y0 आपके पास गिवन था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास कुछ भी वो पॉइंट नहीं गिवन है। आपको निकालना है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन, जो टेंजेंट से पास कर जाए थ्रू ओरिजिन, वो पॉइंट हमें इसमें निकालने हैं फॉर द कर्व। आपके पास कर्व जो दी है y = 4x³-2x⁴। यानी कि मेरे पास ये कर्व है, ठीक है, एक मेरे पास ये दी है और एक कर्व यहाँ पर मेरे पास गिवन है। ठीक है, ये कर्व गिवन है और इस कर्व में क्या है, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है, लाइन लाइन जो है ये यहाँ पर ये कट कर रही है, ठीक है, यहाँ पर ये कट कर रही है। देखो किसी ना किसी पॉइंट पे तो कट किया, ओरिजिन पे करेगी तो हमारा पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे ओरिजिन पे 0,0 रहेगा, लेकिन जहां पर ये कट कर रही है हमें वो पॉइंट निकाल के बताने हैं। तभी यहाँ पर दिया है कि विच द टेंजेंट पासिस, ये जो लाइन है, ठीक है, टेंजेंट लाइन जो है ये पास कर रही है और वो कट कर रही है थ्रू ओरिजिन। ठीक है, कट कर रही है वो थ्रू ओरिजिन, देखो ओरिजिन से कट करती हुई गई ना लाइन, ये देखो ये ओरिजिन से कट करती हुई लाइन जा रही है। ठीक है, हमें वो पॉइंट निकालना है जो इस लाइन को कट करे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अब देखो इक्वेशन ऑफ हमारे पास क्या दिया हुआ है, कर्व दी हुई है, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास दी है, उससे पहले क्या करो, हम लेट कर लेंगे, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अपनी मर्जी से हम मान लेंगे, लेट द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट वो हमने मान लिए a, b, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ कर्व आपके पास है, इक्वेशन ऑफ कर्व वो आपके पास कितनी है, y = 4x³-2x⁵। इसकी कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो dy/dx = कितना आ जाएगा, 12x² - 5 2 10x⁴। इतना आ गया। ठीक है, अब आपके पास जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसका यूज कर लो, जो हमने लेट किया है, तो dy/dx a, b = कितना आ गया, 12a² - 10b⁴। क्लियर है इतना। अब देखो यहां पर जो है, हेयर a, b लाइज ऑन द कर्व, लाइन पे ये a, b क्या कर रहा है, लाई ऑन द कर्व, तो b हमारे पास क्या आ जाएगा, b = कितना आ गया, 4a³-2a⁵। ठीक है, ये किस इक्वेशन में हमने पुट किया, ये रही हमारे पास इक्वेशन, इसको आप चाहो तो नंबर 1 दे सकते हो, ठीक है, वैसे देने की जरूरत नहीं है, आप इसे दो अब नंबर 1। क्लियर है इतना। हमने क्या किया, ए और बी लाई करवा दिया कर्व की इक्वेशन पे, इस इक्वेशन पे हमने पुट कर दिया इसको,
तो y के प्लेस में आ गया b, x के प्लेस में आ गया a क्यूब, और यहां पर आ गया a रेस्ट पावर 5। देखो यही किया ना। अब देखो यहां से सिंपल क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को हम निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए वाई माइनस वाई वन इक्वल टू कर दो एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर इतना? तो एक्स कोमा वाई की वैल्यू आप के ले लो, ठीक है। एक्स कोमा वाई जो हमारे ओरिजिन थे, 0.0 ले लो। एक्स कोमा वाई इज 0.0, तो यहां आ जाएगा। अब वाई वन की वैल्यू आपके पास नहीं है, सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू। तो यहां पर क्या करो, 0 माइनस 0 माइनस वाई वन की वैल्यू क्या आपके पास, देखो वाई वन की वैल्यूज ये रही, ये आपके पास वाई वन की वैल्यूज हैं जो हमने लेट की थी। तो वाई वन की वैल्यू में कितना आ जाएगा ये बी, और यहां पर कितना है ये इक्वल टू एम के प्लेस में कितना आ जाएगा, एम है हमारा, हमने एम कितना निकाला था, ये हमारा क्या है एम, ठीक है। तो एम मैं यहां लिख रहा हूं 12a² - 10b⁴। और यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स के प्लेस में आ जाएगा 0 और एक्स वन के प्लेस में आ जाएगा a। क्लियर इतना? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस बी इक्वल टू इसको सॉल्व कर लो, माइनस ए ही है ना, माइनस ए के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, -12a³ आ गया। और यहां पर कितना आ गया, 10b⁵। ठीक है। अच्छा यार ये तो 10, 1 मिनट, यहां पे b नहीं आएगा यार, a आएगा, क्योंकि x है ना, x के प्लेस में हमने क्या किया, a रखा हुआ है, ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या आया a। और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर भी a आएगा ना कि b, ठीक है। तो कितना बन गया ये a⁴। अब मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, माइनस बी इक्वल टू 12a³ - 10a⁵। इसको दे दो आप, अच्छा यहां पर माइनस भी आएगा भाई, ठीक है। यहां से आप माइनस को कॉमन ले लो, माइनस बी माइनस को ले लिया कॉमन, 12a³, यहां बन जाएगा हमारे पास माइनस ही रहेगा 10a⁵। क्लियर है? वैसे यहां पर प्लस बनेगा यार, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं यहां पर हो रही है इसकी वजह से, ठीक है। माइनस ए था इसलिए प्लस आ गया, माइनस कॉमन लिया तो माइनस ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास कितना बचा, बी इक्वल टू 12a³ - 10a⁵। और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब बाय 1 एंड 2, वन नंबर इक्वेशन क्या थी आपकी, वन नंबर इक्वेशन है आपकी 4a³, ये रही 4a³ - 2a⁵ = 12a³ - 10a⁵। यहां से क्या करो, a वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो और b वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 4a है और ये 12a है। तो जब हम इसको यहां लाएंगे तो 4a³ है माइनस 12a³ हो जाएगा इक्वल टू -10a⁵ यहाँ पे है, और ये वहां जाके प्लस हो जाएगा 2a⁵। यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया, -8a³, और ये हमारे पास कितना आ गया, -8a⁵। क्लियर इतना? तो ऐसा करो, माइनस से माइनस को ख़त्म कर दो, आप चाहो तो 8 को यहीं ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, 8 को भी हम यहीं ख़त्म कर सकते हैं, तो कर दो, 8 को भी हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास कितना बचता है यहाँ से, अच्छा ऐसा करते हैं 8 को अभी रहने देते हैं ऐसे, 8a³ = 8a⁵ को हमने ऐसे ही रहने दिया। अब मैं इस 8a यहां ले आ रहा हूं, ठीक है, 8a³ - 8a⁵ = 0 कर दो, ठीक है। यहां से 8a³ आपके पास कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगाओ, यहां पर बचा 1 - a⁴ = 0। अब हमें ये दोनों इक्वेट करने हैं,
इक्वल टू जीरो के। तो यहाँ से देखो माइनस एट ए क्यूब इक्वल टू कर दिया अगर जीरो, तो यहाँ से कर दो वन माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। तो ये तो हो जाएगा ए इक्वल टू जीरो, और यहाँ से बी इक्वल सॉरी ए कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू प्लस माइनस वन आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, मैंने क्या किया, इस एट ए स्क्वेयर को ऐसे रहने दिया, इसका कुछ नहीं किया, एट ए क्यूब को यहीं रहने दिया, एट ए रेस्ट पावर फाइव को यहीं रहने दिया। सिर्फ हमने किया क्या था, ये माइनस और ये माइनस के साइन को कट किया था सिर्फ। फिर हमने क्या किया, इस एट ए क्यूब को यहीं रखा और एट ए रेस्ट पावर फाइव को यहाँ ले आया इक्वल टू जीरो। फिर क्या किया, माइनस को कॉमन निकाल लिया और एट ए क्यूब को भी हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, ब्रैकेट में वन माइनस ए रेस्ट टू पावर टू हमारे पास बच गया है। ठीक है, ए बच गया था इक्वल टू जीरो, हमारे पास एक करके ये चीज आ गई। अब क्या करेंगे, हेयर आपके पास वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू आ गया जीरो, एक आ गया आपके पास ए इक्वल टू वन, और एक आ गया आपके पास ए इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो पुट कर दो इसको, पुट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू जीरो कोमा ए इक्वल टू वन कोमा ए इक्वल टू माइनस माइनस का वन इन इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन पे जब हम इसको पुट करेंगे तो बी इक्वल टू आपके पास क्या है, फोर ए क्यूब माइनस टू ए रेज टू पावर फाइव। सबसे पहले क्या करो, व्हेन ए इक्वल टू जीरो, जब हमने ए इक्वल टू जीरो रखा तो बी इक्वल टू कितना आ गया, फोर इंटू जीरो क्यूब माइनस टू इंटू जीरो रेज टू पावर फाइव। पॉइंट्स क्या आ रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है जीरो आएगा, तो पॉइंट्स आ गए आपके पास, पॉइंट्स आर जीरो कोमा जीरो। क्लियर है, व्हेन ए इक्वल टू अब आपके पास क्या है, वन। ठीक है, वन रख लो चाहे माइनस वन रख लो, एक ही बात है, जो आपका दिल करता है उसको रखो। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ सबसे पहले वन, वन रखा हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू फोर इंटू वन का क्यूब माइनस टू इंटू वन का वन रेज टू पावर फाइव। हमारे पास कितना आ गया, बी इक्वल टू ये आ रहा है फोर माइनस टू, यानी कि आ गया ओनली टू। तो पॉइंट्स क्या आ गए, पॉइंट्स आर वन कोमा टू। अब क्या करेंगे, व्हेन ए इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, ए इक्वल टू माइनस वन रखा तो बी इक्वल टू कितना आ गया, फोर इंटू माइनस वन का क्यूब माइनस टू इंटू माइनस वन रेज टू पावर फाइव। ये बी इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का फोर माइनस माइनस प्लस, यानी कि आ गया टू। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस का टू, ये आ गया माइनस टू। तो लास्ट में क्या लिख सकते हैं हम, कि पॉइंट्स आर यहाँ पर जो पॉइंट्स आ गए वो क्या क्या आ गए, एक आ गया हमारे पास माइनस वन और एक आ गया माइनस टू। ठीक है, तो तीन पॉइंट इस क्वेश्चन के निकले हमारे, जो इस ओरिजिन से जो लाइन पास कर रही थी और कट कर रही थी वहां पर, ये तीन पॉइंट हमारे पास बन रहे हैं। एक बन रहा है हमारे पास क्या, जीरो जीरो, एक बन रहा है हमारे पास वन कोमा टू, और तीसरा बन रहा है हमारे पास माइनस वन कोमा माइनस टू। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.3, और इस एक्सरसाइज से ऑप्शन में आपको 6.3 और 6.5 में से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 6 मार्क्स का आपको एचपी बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, वहाँ से एक क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स का आएगा। तो ध्यान से करना इस एक्सरसाइज को, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें सभी के सभी क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने ध्यान से करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, आपको पसंद आए हों और साथ में आपको समझ आए हों, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मैं सारे क्वेश्चन इसलिए पूरे पूरे करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसीलिए मैं आपके लिए कोई काम नहीं छोड़ता हूँ, आपको मतलब समझ आ जाए आपको, तो आप उसको ट्राई किया करो। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन आपको सेम लगते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको सेम लगते हैं उसको आप एक बार देख लिया करो और उसको खुद करने की ट्राई किया करो। इससे क्या होगा, आपका जो समझने की कैपेबिलिटी है वो आपकी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके जब आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम में क्या होगा कि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको यही सेम क्वेश्चन आए, वहाँ पर क्या होगा कि
जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, इक्वेशन को एग्जामिनर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आपको अगर मेथड पता होगा, तो मेथड पता होगा तो आप एकदम से क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को देखोगे और उसको बिल्कुल सही तरीके से वही लॉजिक लगा करके जो इन क्वेश्चन में हमने यूज़ किया, वो सारे लॉजिक्स को यूज़ करके आप इन क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।